भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड रही है वो। अजी मेरा कद्दू। ओ भाई ठंड आगे बढ़ते गाइस, पहले भैया कपड़े पहले थोड़ा जादू से पहले भाई शर्ट पहनते हैं। चलो भाई साहब थोड़ा जादू देख लेते हैं एडिटिंग का, ठीक है। ओ भाई साहब, ओ भाई शर्ट तो पहने दिया, भाई साहब बटन तो लगा लेते। चलो भाई एक बार यार ये तो मैं कर लेता हूँ, वरना गाइस काफी दिक्कत होगी बहुत, आपको पता है। चला गाइस फटाफट आपके इसके बटन लगाते, ठीक है। ओह भाई साहब, ये भाई साहब कमाल है एडिटिंग का। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर। भाई साहब ठंड काफी बढ़ गई है और गाइस काफी मजा आ रहा है भाई साहब जो बात है शर्ट पहनने के बाद, मतलब भाई ठंड एकदम उड़न छू हो गई है। तो भाई साहब आज इस वीडियो में ऐसा जुगाड़ बनाने वाले हैं, भाई साहब यकीन मानिए भाई साहब मजा आ जाएगा और भाई आपकी सारी सर्दी भग जाएगी। अब भाई साहब टॉयलेट जाओ, हगल जाओ, मुंह जाओ, स्कूल जाओ, भिजाओ, कहीं भी चले जाओ, भाई साहब जिम वर्क का आराम से आप ले जा सकते हो। प्लीज दोस्तों कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। चलेगा चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब यहाँ आप देख सकते हो भाई, ये मैं तीन कैन लेकर आऊँ और भाई साहब ये कैन है लोहे की। और भाई आप कैसे पता लगा सकते हो, पहले लगा इसमें आपको दिखाता हूँ। ये है भाई साहब मैग्नेट, इससे हम पता लगा सकते हैं। देखो भाई साहब, हाँ भाई ये देखो उठा दिया, लोहे की है, हटा देते हैं। ये एल्यूमिनियम और भाई ये एल्यूमिनियम। तो गाइस आप जानते हो कि भाई फोक चल रहा है, तो भाई साहब फोक ही ले लेते हैं। गाइस मेन चीज भाई है कि भाई एल्यूमिनियम जो होता है गाइस वो पूरा अच्छी तरह से हीट होता है और अच्छी तरह से कूल भी होता है, तो भाई साहब लोहे में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई साहब साइड में थोड़ा सा तो भैया इसे लेते हैं। लेकिन भाई साहब इसमें एक बहुत बड़ी कमी है गाइस, ये काफी मोटा है, देख सकते हो गाइस, मतलब क्लेम अच्छे से नहीं आ रहा। वैसे गाइस साइज तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। चलो गाइस फटाफट पहले सर अपने हिसाब से कटिंग कर लेते हैं इसकी। और भाई साहब एक बात और, भाई मैं लेकर कहां से आया, क्यों गाइस मैं सेंट तो लगाता नहीं, क्यों गाइस मैं डेली नहाता हूं तुम्हारे। तो भाई ये मैं लेकर आऊं कबाड़े में से, चलिए छोटी सी क्लिप दिखाता हूं आपको। हां तो भाई यहां काफी सारा एल्युमिनियम का माल पड़ा है और भाई ये है दो डिब्बे जो कि एल्युमिनियम के हैं, इनसे हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपने क्लिप देखी। तो भैया मुझे 5-5 रुपए दो मिले हैं, यानी गाइस 10 रुपए के दो मैं लेकर आऊं, मांग तो नहीं था लेकिन मैंने दे दी भाई को पैसे, भाई रख ले कोई बात नहीं, ठीक है। तो चले गाइस फटाफट की कटिंग वटिंग करते हैं, सारा काम इसका कंप्लीट करते हैं। भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसे जोड़ा है, और भाई देखो अभी इसकी पकड़ अच्छी आ रही है गेरा, ठीक है। इतना भाई मोटा होने भी चाहिए जिससे गाइस आराम से भाई आपके हाथ में ग्रिप आ सके और भाई साहब आप दोनों हाथ भी इसमें ऐसे लगा सको। है भाई काफी लोग ये सोचेंगे कि समर यार तूने ये पहले एल्युमिनियम का ये एक डब्बा लिया या सिलेंडर लिया जो भी, बाद भाई से काटा तो भाई पतला लिया था। गाइस पतला भाई मेरे पास था नहीं, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास एल्युमिनियम की शीट ही पड़ी हो तो आप ऐसा रोल करके गाइस ऐसा बना सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। या अगर पतला पाइप मिल जाए या कोई छोटा बॉक्स डिब्बा ऐसे कैन मिल जाए तो भाई आप उसे भी ले सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट अब इस तबिया नाइक्रोम वाइल लगाते हैं, इसको पलाएंगे आराम से। देखो गाइस बहुत सारा आइडिया है, या तो गाइस आप चाहो तो भाई थोड़ी जगह लगा सकते हो नाइक्रोम वाइल, थोड़ी जगह ये पूरा का पूरा हीट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब उससे अच्छे से हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो भाई सर्दी रहेगी तो भाई ये बहुत जल्दी कूल होता रहेगा। तो गाइस हमें यहाँ पर बिल्कुल इक्वल नाइक्रोम वाइल लगाना पड़ेगा जिससे भाई आराम से हीट हो जाए। और भाई इसे ज्यादा हीट नहीं करना, बहुत कम हीट करना है, यानी गाइस वार्म करना है बस, गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का फुल्का वार्म होता है ना जिससे भाई हमें थोड़ा सुकून मिलता रहे, ठीक है। चलो खैर जो बात है भाई फटाफट लेकर आते गाइस पहले नाइक्रोम वाइल, उसके बाद इस पर लगाते हैं। तो लीजिए गाइस यहाँ पर नाइक्रोम वायर है ना, देखो जो प्रेस होती है ना आयरन, उसका भैया एलिमेंट खराब हो गया था तो गाइस उसमें से मैंने निकाला है प्रेस में से, ठीक है। जो एलिमेंट होता है वी आर यू टाइप का, और भाई ये हीटर का है 1000 वाट का, आपको चाहे गाइस ये वाले मिल जाए चाहे ये वाले मिल जाए, थोड़ा टन का आगे पीछे फर्क पड़ जाएगा, लंबे या छोटे वायर का फर्क आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो भाई जो वायर पे लिपटेगा तो गाइस इससे टच होगा, यानी बॉडी से वायर टच होगा, जो गाइस टच नहीं होना चाहिए। तो भाई हमें इस पर कुछ ना कुछ ऊपर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आप पेपर टेप लगा सकते हो, इतना गर्म इसे करेंगे नहीं, ठीक है, बस ये वार्म ही होगा, वरना गाइस टेप जल जाएगी ज्यादा गर्म होगा। तो भाई ये वाली पेपर टेप है, आप चाहो तो गाइस इसका यूज कर सकते हो। चलेगा इसका यूज कर लेते हैं, वरना गाइस काफी लोगों के पास सामान मिलता नहीं है, तो भाई इसकी एक लेयर चढ़ा लेंगे अच्छे से पूरे पे लिपट जाए। मैं भी आपको एक चीज और बताऊंगा गाइस, मैं इसमें और क्या लगाने वाला था, लेकिन मैंने वो जानबूझकर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गाइस वो हर किसी के पास नहीं मिलता, इसलिए भाई मैंने ये टेप ले लिया, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए।
तो भाई मैंने इस पर दो लेयर चढ़ा ली है, वरना गाइस एक लेयर फट सकती है नायको चढ़ाते चढ़ाते ही। अब आते हैं गाइस कि मैं इस पे क्या लगाता। भाई मैं लगाता ये हीट सिंक, देखो ऐसा क्या कमाल बवाल लगती। और भाई ये देखो, ये इसको ऊपर एक लेयर चढ़ जाती और वैसे भी हीट हो जाती है, तो इस पे बिल्कुल चिपक जाती है। ठीक है, खैर मैं इसे लगा सकता हूँ, लेकिन गाइस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर टेप ले सकते हो। कोई पीवीसी टेप मत लेना, पेपर टेप जल्दी से नहीं जलती। तो भाई फटाफट दो होल कर दिए हैं। तो गाइस मैं ले रहा हूँ 1 फुट यानी कि 12 इंच और भाई साहब लगभग 8 इंच यानी गाइस ये 20 इंच का एक टुकड़ा ले रहा हूँ मैं नायक्रो वायर का। अगर आपको ज्यादा हीट करना हो आप इससे थोड़ा सा कम ले सकते हो, आपको थोड़ा कम हीट करना हो तो इससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। ठीक, एक बार पहले आप चला के देख लें जो बेल्ट आप इसमें लगाओगे कितना लंबा आपको वायर लेना है और कितना हीट करना है। ज्यादा हीट नहीं करना है वरना गाइस हाथ जल सकता है। तो गाइस आप लेंगे दो बढ़िया से वायर। देखो भाई नायक्रो में ताके नहीं रखते यानी कि सोल्डिंग नहीं होती, लेकिन भाई जो हमने इसमें तार लगाया ना अच्छे से बैंड करके उसको कर रहे हैं सोल्डर। अब यहाँ पे लेंगे भाई फायर स्लीव जिससे का इस वायर टच ना हो आपस में, वैसे तो इसके अंदर लगाएंगे। वाह आ ही नहीं रहा, थोड़ा सा बाद में गाइस टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से, बेफिक्र रहो। इसे अंदर से मार लेते हैं स्टड ग्लू जिससे चिपक जाए नीचे ना जाए। अब भाई साहब तार फटाफट लगाते हैं यानी कि इस नायको अंदर से फिट करते हैं फटाफट। बिल्कुल फिट बैठा है, अगर थोड़ा सा आपको करना हो जितना आप ज़्यादा वायर लाओगे उतना ये कम हीट होगा। ठीक है आपको बता दूँ पहले, वाह हमें बिल्कुल ये एक्यूरेट बैठाना है, थोड़ा ऊपर नहीं चल जाएगा कोई बात नहीं। ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा पता भी नहीं लगेगी। तो भाई ये जो नायको वायर लगा है ये गाइस बिल्कुल एक्यूरेट लगा है और भाई ये नीचे एल्युमिनियम है तो गाइस अच्छे से हीट भी हो जाएगा पूरा पूरा। 4-5 यहाँ पर मैंने ये बल्ब लगाए हैं। तो भाई अभी टम्पे तौर पर मैं इस पर स्टड ग्लू लगा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मिला दे सब हाथ पे ना लगे, चिपक गया सब तार भी रुक जाएगा। तो भाई ये मैंने वायर अच्छे से टाइट करके लगाया, गाइस टाइट नहीं लगा तो गाइस एनर्जी लॉस होगी, मजा नहीं आएगा, तो अच्छे से टाइट करना जिससे गाइस पूरा कपड़ा हीट हो अच्छे से। अभी भाई ये हाथ जला सकता है, इसको पेपर में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, इस वायर को मैं निकाल देता हूँ, जितना मर्जी गाइस आप निकाल सकते हो। तो ले जाए गाइस ये तो भाई कंप्लीट हो गया है, काफी अच्छी ग्रिप आ रही इसके हाथ में, टेस्ट वेस्टिंग बाद में करेंगे। ठीक है अब आते हैं भाई इसकी बैटरी पर। तो गाइस यहाँ पर आप दो तरह की बैटरी देख सकते हो, ये वाली लैपटॉप की बैटरी 18650 लिथियम बैटरी और भाई ये भी लिथियम बैटरी है, ये है भाई 14500। ठीक है यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, लेकिन गाइस इसमें बहुत बड़ा फर्क है। देखो ये 600 मिली एम्पियर आर की है और भाई ये 2200 मिली एम्पियर आर की है, मोटा मोटा 2000 मान के चलते हैं। और गाइस ये ओरिजिनल है LG की, वैसे मैंने लैपटॉप की बैटरी में से ही निकाली है। तो गाइस पहले दोनों फर्क देख लेते हैं, अगर मैं इन तीनों को लगाऊं या इसको अकेले को लगाऊं तो गाइस कितना फर्क आएगा वेट में, क्योंकि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हल्का भी होना चाहिए लाइट वेट। चलिए ऐसा रख देता हूं 46 ग्राम। ठीक है और इन तीनों को देखते हैं 51 ग्राम, लगभग 6 ग्राम एक्स्ट्रा है। और गाइस इनके अंदर एम्पियर भी काफी कम होंगे, अगर इन तीनों को भी जोड़ूंगा तो लगभग 1800 मिली एम्पियर की बैटरी है गाइस ये बैटरी, और भाई ये 2000 मिली एम्पियर की। तो गाइस इसकी जगह हम इसे लेंगे, तो भाई ये पावरफुल भी है और लाइट वेट पड़ेगी। तो भाई अगर आप चाहो तो ऐसी दो बैटरी लगा सकते हो, लेकिन गाइस फिलहाल मैं इसमें एक बैटरी लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ और भी लगाने वाला हूँ। देखिए अब गाइस इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए एक चार्जिंग मॉड्यूल, तो भाई हम लेंगे पावर बैंक मॉड्यूल, हम इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और इमरजेंसी में अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और भाई एक ऑन ऑफ स्विच जो गाइस इसे हम ऑन ऑफ कर सके। लेकिन भाई साहब मैं इसे बनाने वाला हूं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, यानी गाइस आप इसे हाथ पकड़ोगे तो गाइस ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हीट होगा, और भाई जैसा आप रख दोगे साइड में या अपना हाथ हटा लोगे तो गाइस ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो गाइस इससे फायदा होगा कि बार बार आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर ऑन ऑफ स्विच तो गाइस फिर भी लगाना पड़ेगा, क्यों गाइस आप जानते हो भाई अगर आपको बंद करना हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, वरना गाइस अगर ये क्यों गाइस गोल है भाई घूम कर अगर ये रख गया जमीन पे तो गाइस ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फटाफट गाइस मैं के कंपोनेंट्स लेकर आता हूँ। तो भाई सबसे पहले चाहिए मैं एक रिले जो कि 5 वोल्ट की रिले है, क्योंकि गाइस ये 18650 बैटरी से ऑपरेट हो जाती है। और भाई एक चाहिए 1K का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में, एक BC547 ट्रांजिस्टर और भाई एक LDR। फटाफट गाइस सबसे पहले मैं कनेक्शन करता हूँ। तो भाई आप इसके कनेक्शन देख सकते हो, बहुत इजी कनेक्शन है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर का इस 5 लगे। ठीक है यहाँ से फर्स्ट वाले देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीधा ट्रांजिस्टर फर्स्ट लेग पे लगा दिया है, फेस आपके सामने है लगा दिया है। ठीक है तो भाई सेकंड और मिड वाली यहाँ पर 1 का रेजिस्टेंस है, यहाँ लगा LDR और ये दोनों आपस में मिली हुई है, ये दोनों दोस्त है आपस में। तो भैया ये निकला इसका इनपुट और भाई ये निकला इसका इनपुट नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आते हैं इसके आउटपुट पर, देखा इस ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग आउटपुट जो गाइस नेगेटिव है, और भाई नाइक्रोमीटर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता इसलिए मैंने कलर एक से लगा दिए हैं। जो दूसरा वायर है
एक वायर का, वो मैंने यहाँ लगा दिया। अगर गाइस आप इसे हटाकर यहाँ लगा दोगे तो भाई ये दिन में काम करेगा और रात में काम नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर लगा रखा, यानी गाइस अगर इसका अगर रोशनी पड़ेगी तो गाइस ये काम नहीं करेगा, और भाई जैसे मैं इसे दबा दूंगा तो भाई ये ऑटोमेटिक रिले ऑन हो जाएगी और जिससे ये चल जाएगा। तो गाइस NC NO NO सब भूल जाओ, बस सिंपल से कनेक्शन है ये याद रखो। तो चलेगा फटाफट पहले इस LDR को इसके आसपास गाइस होल करके निकालते हैं। तो भाई फटाफट यहाँ पर मैं होल करता हूँ और भाई इसे लगाता हूँ। तो भाई साहब इसमें पावर बैंक मॉड्यूल या बैटरी फिट करने से पहले तो भाई पहले चेक करते कितना करंट ये ले रहा है चलने पर। तो भाई हमारी जो बैटरी है वो 4 वोल्ट है, मैंने चेक कर लिया है, 3.9 वोल्ट की ये चार्ज है। फिर भाई इसमें मोटा मोटा 4 वोल्ट लेकर चलता हूँ, वैसे 3.7 वोल्ट लेकर चलते हैं, तो मैं 3.7 वोल्ट लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बैटरी थोड़ा बहुत ऊपर से चल जाएगा। ठीक है, देखिए 3.7 वोल्ट, बल्कि गाइस ये रुक जाओ, तो भाई मैं इस पर डार्ट लगाता हूँ। देखिए 3.7 वोल्टेज, देखिए यहाँ 3.9 दिखा रहा है जबकि यहाँ पर 3.7, चलेगा इतना रहने देते हैं, यानी कि 3.7 पर हम इसे मेजर करेंगे। तो भैया डायरेक्ट मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें रिले भी कनेक्ट है और गाइस ये नाइकन वायर भी कनेक्ट है सीधा, यानी कि मैं इसे पावर दे रहा हूँ। देखा अभी ये कोई पावर नहीं ले रहा, ठीक है भाई, जैसे मैं इस पास रखता हूँ, देखा ये ले रहा है 0.66, यानी कि लगभग हाफ एम्पियर। देखिए 650 मिली एम्पियर का ये ले रहा है, देखिए दोबारा करता हूँ, देखिए 660 या 650 मिली एम्पियर। तो गाइस इसकी कैलकुलेशन होनी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, चलो भाई करते हैं। पहले भाई चेक करते हैं गाइस कितना वाट कंज्यूम कर रहा है। देखिए 3.7 वाट हमें से दे रहे हैं वोल्ट, मल्टीप्लाई ये ले रहा है 0.650, यानी कि 650 मिली एम्पियर। इन दोनों को भाई सिंपल सी बात है कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है, 0.650, यानी गाइस ये 2.4 वाट ले रहा है, 2.4 वाट ये गाइस कंज्यूम कर रहा है ये, ठीक है। अब भाई साहब हम जो इसे बैटरी दे रहे हैं वो कितने वाट की है, 3.7 वोल्ट मल्टीप्लाई 2000 मिली एम्पियर की, यानी कि 2 एम्पियर की है, तो 7.4 वाट की हम एक इसे बैटरी दे रहे हैं, जो कि 18650 लैपटॉप की बैटरी 7.4 वाट की होती है। अब भाई बहुत सिंपल है, यहाँ लगाओ और भाई इसे ये जो निकला इसे फटाफट भाग कर दो। तो भैया 7.4 वाट भाग करते हैं 2.4 वाट, तो भाई लगभग आ रहा है 3.08, मोटा मोटा 3 ही मान लेते हैं। तो गाइस ये लगभग 2-2.5 घंटे चल जाएगा, वैसे गाइस 3 घंटे कैलकुलेशन में आता है लेकिन भाई चल नहीं पाता, क्योंकि गाइस बहुत सारे पावर फैक्टर काम करते हैं, एनर्जी भी गाइस लॉस होती है और गाइस बैटरी बिहेव करती है टेम्परेचर पर, आपको पता लग गया कितने चलेगा। फटाफट से बैटरी और मॉड्यूल फिट करते हैं। तो भाई साहब ये हो चुका कंप्लीट, और आप चाहे तो गाइस इस पर कुछ भी मत लगाओ, ये नाइक्रो वायर आराम से नहीं टूटेगा और भाई हाथ भी नहीं जलाएगा, लेकिन मानिए तो गाइस नीचे एल्युमिनियम है तो गाइस वो सारी डिस्क्रिप की जाएगी और भाई पूरा इक्वल हीट होगा। जैसे गाइस मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए आप आवाज़ सुनना, देखिए जैसे मैं आता रहूँगा गाइस तो भाई एकदम ये ऑन हो जाता है, देखिए रिले ऑन हो जाएगी, रिले का आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। तो गाइस बहुत मस्त काम कर रहा है, मैं सब पकड़ कर रखूंगा, हीट होना का इससे चालू हो गया है, ठीक है बढ़िया जो बात है। और भाई ये ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, मतलब आपके सामने मैं काफ़ी देर तक इसे पकड़ रखूंगा ऐसी, क्योंकि भाई ऐसा मैंने इतना हीट इसे रखा ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हीट करना है तो गाइस आप वायर छोटा कर सकते हो, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं है, बैटरी जल्दी कंज्यूम होगी और गाइस आपको हाथ भी जल सकता है, इसे यहाँ से आप बंद कर सकते हो, अब गाइस ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट की थोड़ी साज सज्जा कर देते हैं, जिससे गाइस थोड़ा अच्छा लगे, तो गाइस इसको प्रम लगाएंगे। मैंने गाइस आपको दिखाया था, दिखाता हूँ एक बार, ये वाली हीट श्रिंक भाई साहब देखिए मजा आ जाएगा। तो भाई ये तो वैसे भी गर्म की निशानी है, लाल कलर रेड कलर, तो भाई आपको शायद कलर से ही गर्मी आ जाए, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा काट लेते हैं बाहर, ये लगाने जरूरी नहीं है, मैं लगा रहा हूँ बस ऑप्शनल है, वरना गाइस आप चाहो तो ये टेप भी लगा सकते हो, पेपर टेप। भाई इस LDR पर जो है ना पहले मैं टेप लगाता हूँ जिससे भाई ये बाहर ना निकले, थोड़ी बड़ी बेसक है लेकिन भाई इसमें आ जानी चाहिए ठीक ठाक से। तो भाई फटाफट इसे हीट करते हैं, क्या मस्त आया बॉस, नाइकोवा हल्का हल्का आपको शो हो रहा होगा शायद, और भाई ये पूरा एल्युमिनियम में तो गाइस ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है पूरा, बस इससे ज़्यादा गाइस ये नहीं होगा, तो हम इस यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी, देखो भाई साहब क्या मस्त फिटिंग आई है। और भाई यहाँ मैंने कलर्स नहीं किया, इससे गाइस आपको इंडिकेटर दिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भाई मैंने सबसे बाद में से लगाया था हीटिंग को, ये पूरा अच्छे से लग जाए। देखो भाई साहब अभी हमें जो LDR है वो देखना पड़ेगा किधर है, किधर गया, उसे फटाफट पहले ढूंढ लेते हैं, आई थिंक ये रहा, तो भाई इसे भी हमें काटना पड़ेगा,
काफी प्यार मोहब्बत से गाइस इसे काटा जा रहा है। एल्डर हमारा खराब ना हो जाए वरना। देखिए काम हो गया फाइनली। तो गाइस ये बना है देखिए, मतलब भाई अगर आप इसे कॉलेज में कहीं भी आप ले जाओगे तो भाई सोचेंगे भाई ये क्या बना है। मतलब काफी लोग सोचेंगे भाई ये सिर्फ एक पावर बैंक है, जबकि गाइस ये पावर बैंक के साथ साथ एक हैंड वार्मर भी है जो गाइस सर्दी में भाई काफी काम की चीज है। और भाई आप इस पे दोनों हाथ इस तरह से लगा भी सकते हो, एक हाथ भी लगा सकते हो और ये काफी अच्छे से हीट होता है। चलो भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई पहले से चार्ज करके देख लेते हैं। देखो ये अच्छे से बैटरी को रिचार्ज कर रहा है। तो भाई मोबाइल चार्ज करके देखते हैं फटाफट, सारे काम फटाफट करेंगे ठीक है। तो गाइस मोबाइल भी अच्छे से रिचार्ज हो रहा है, यहाँ पर एलईडी भी जल जाती है। तो गाइस वैसे काफी मस्त काम कर रहा है, लेकिन भाई साहब हम इसके एक बार जो हीट टेस्टिंग है वो भी करते हैं। तो भाई साहब मेरे पास ये रहा थर्मोमीटर या टेम्परेचर मीटर, इससे गाइस बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पानी भी गर्म हो जाएगा। तो भैया टेम्परेचर है अगर आपको देखो 23.3 डिग्री सेल्सियस जिस रूम में मैं रह रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर है ठीक है। तो भाई वैसे सिर्फ एक मिनट पता लग जाएगी अगर मैं इससे लगाऊँ कितना हीट हो रहा है, लेकिन भाई साहब मैं आपकी तसल्ली के लिए 2-3-4-5 मिनट आराम से इसकी टेस्टिंग कराऊंगा। फटाफट एक सेटअप बनाते हैं। तो भाई साहब अभी फिलहाल ये बंद है ठीक है, अगर मैं इसे खोल दूंगा तो रिले की आवाज आ जाएगी। हाँ ठीक है इसे बंद करता हूँ और भाई साहब मैं इसे यहाँ लगाता हूँ और भाई मैं स्टेप से इसे रोकता हूँ और भाई एलडीआर भी लगा दूंगा ठीक है, जिससे भाई ये हो कि भाई ये ऑन हो जाए। तो भाई सेंसर भी इस पर लगा दिया है देखो अच्छे तरीके ठीक है, जिससे गाइस कोई भी दिक्कत ना हो। भाई यहाँ पर लगा दिया है और भाई यहाँ पर आप टेम्परेचर देख सकते हो। देख गाइस मैंने भी चलाया था थोड़ा टेम्परेचर का दिखा रहा है, देखो बढ़ता है 25.8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है 0.9 ठीक है। चले भाई ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो गाइस आप जानते हो भाई ये थोड़ा सा मैंने पकड़ा तो गाइस हीट हो गया है। चले भाई साहब अभी फिलहाल ये बंद है और कितना हो गया है 26.6 दिखा रहा है ठीक है। और भाई टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है क्योंकि गाइस मैंने इसे थोड़ा लेट हो गया है। तो गाइस लगभग 5 मिनट इसके हमने टेस्टिंग की है आपके सामने गाइस लाइव, कोई भी फेक नहीं। और भाई टेम्परेचर देख सकते हो 34.5 ठीक है। और भाई इसमें से पकड़ देता हूँ, अरे वाह भाई ये मस्त हीट हो रहा है जो बात है गाइस। और भाई यकीन मानिए जब बाहर निकलोगे ना भाई साहब तो वहां का टेम्परेचर होता है 7-8-10-12 और भाई साहब ये 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो भाई साहब मतलब मजे आने वाला है इसे, यहाँ से बंद कर देते हैं। तो भाई ये काफी अच्छा हीट हो रहा है, आप इसे ऐसा है गर्दन पर रख सकते हो, मतलब गाइस काफी मस्त है जो बात है भाई, छट जा तेरी सतरे जा। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा। 35 डिग्री सेल्सियस गाइस बिल्कुल मस्त टेम्परेचर है आपके हाथों के लिए सर्दी में। और भाई इसके अंदर कुछ मेल्ट भी नहीं होगा ना गाइस, जो हीट सिंक ऊपर ये मेल्ट होगी ना अंदर की उसमें टेप लगाई, कुछ भी इसके अंदर मेल्ट नहीं होगा। तो ग्लू स्टिक मैंने लगाई है वो भी गाइस 35 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं होगी। अगर गाइस आपको थोड़ा और हीट चाहिए तो भाई आप थोड़ा और छोटा नाइफ वायर कर सकते हैं, लेकिन भाई ज्यादा हीट मत करना ना गाइस, हाथ सकता है ठीक है। तो भाई इतना बहुत है, मैक्सिमम 40-45 लास्ट, क्योंकि इस पर बैटरी के अंदर है तो बैटरी भी हीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं यार, लाइक नहीं करता प्लीज लाइक करके जाओ। थैंक यू, बाय बाय।